हेलो गाइस, कैसे आप सब। और भाई मस्त एकदम तगड़ी वाली गुड मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि भाई कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, मस्त एकदम मसालेदार वाला, कि भाई कैसे टिकटॉक विकटॉक बैन हो गया और उसमें साथ ही साथ 59 ऐप्स और इंक्लूडेड हैं। तो गाइस, ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार पहले आप कल वाली वीडियो देख लो और आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा कि कल हुआ क्या, बेसिकली क्या एप्लीकेशन बैन हुई है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। और भाई क्या तगड़ी न्यूज़ आ रही है भाई, बिल्कुल मस्त मसालेदार वाली न्यूज़ आ गई है। और भाई फाइनली जिस दिन का हमें काफ़ी टाइम से इंतजार था वो आज हो गया। तो मस्त एकदम भाई टिकटॉक के साथ करीब कितनी ऐप्स, 59 टोटल ऐप्स बैन कर दिए हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है गाइस, इसका थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ क्यों हुआ है या क्या सीन हुआ है और जो हुआ है सही हुआ है। सो बेसिकली यार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जो है ये 59 चाइनीज एप्लीकेशन है वो बैन कर दी हैं, जिसके अंदर से आप लोगों को काफ़ी सारी पॉपुलर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर टिकटॉक भी एक एप्लीकेशन शामिल है। ये जो बेसिकली गाइज हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ क्यों है। तो बेसिकली सेक्शन 69 के तहत में हुआ है ये और आईटी एक्ट के अंदर लगाया है। एंड इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ बिल्कुल तगड़ी तरीके से। तो इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूँ, इन अ व्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल देर आर एंगेज इन एक्टिविटीज विच इज प्रेजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यार इसमें जितना भी लाइक हमारी इंडियन वैल्यूज हैं और जो भी हम लोगों को सिखाया जाता है उसके अगेंस्ट जाकर ये एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं थी और हमारे कंट्री के लिए अच्छी नहीं थी। तो बेसिकली कुछ ना कुछ जैसे हमारी कंट्री पे हार्म पहुंच रहा है, तो ये वो चीजें कुछ प्रमोट कर रही थी, उस तरीके से जो है इन चीजों को बैन कर दिया गया है। तो इसके अंदर यार काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि बैन हुई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 59 एप्लीकेशन नाम लेना स्टार्ट करूँ, तो पहले टिकटॉक है, दूसरी शेयर इट है, फिर तीसरी कोवाई है, यूसी ब्राउजर है, बाइडू मैप्स है, शीन है, क्लैश ऑफ किंग्स है, ड्यू बैटरी सेवर है, हेलो है, लाइकी है, यू कैम मेकअप है, मेकअप वाले भी हैं, सचिन मी कम्युनिटी है, सीएम ब्राउजर है, वायरस क्लीनर है, एपस ब्राउजर है, रोम वी है, क्लब फैक्ट्री है, न्यूज डॉग है। तो गाइज अब जो है 24 आवर्स का जो है गवर्नमेंट ने हमारे प्ले स्टोर को और ऐप स्टोर को, जो आईफोन का ऐप स्टोर है उनको ये पूरा नोटिस भेज दिया कि इन एप्लीकेशन को आप अपने प्ले स्टोर और वहां से निकाल दो। और गाइज अगर आप लोगों के फोन में भी यार ये एप्लीकेशन इनमें से कोई सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि यार ये इनमें से कोई है 59 एप्लीकेशन में से है, तो भाई अभी ही रिक्वेस्ट है जाके इनको भाई खारिज कर दो, फेंक दो कूड़े के डब्बे में, कचरा डाल दो कचरे के डब्बे में। तो बस यार ये सारी एप्लीकेशन को मस्त से डिलीट कर दो और सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब हमारी अगर आप लोग भाई बिल्कुल ऐसे इंडिया को प्रोटेक्शन में रखना चाहते हो, भाई चाइना आना भाई फालतू चीज़ है, वहाँ पे 3 मिनट से घर में बैठे भाई उसके चक्कर में, इसलिए चलो मजाक है। बस यार ये हुआ है 59 एप्लीकेशन। और बस यार मैं तो ये बोलूँगा अपने जो फोन्स हैं उनका डेटा सेव रखो और अपना जितना भी इन्फॉर्मेशन है यार अपनी जितनी हो सके इन एप्लीकेशन की, अगर आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल होकर आ रही हैं डिलीट कर दो उन्हें, और अगर आप लोगों के फ़ोन में अभी हैं आपने इंस्टॉल करी तो भी डिलीट कर दो भाई, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं डेटा कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। बट काफ़ी लोग मेरे को लग रहा था दिमाग में बैठे होंगे लेकर कि भाई पबजी के साथ क्या होगा, क्या पबजी भी बैन होगी, क्या पबजी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है और क्या और ऐसी गेम्स उनके साथ हो सकता है, क्योंकि इनका जो ओरिजिनेशन है वो आप लोग समझते हो कि चाइना है। तो हाँ आज मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ पबजी के रिलेटेड, और देखते हैं क्या पबजी बैन होगी। वैसे भाई चांसेस 50-50 कह सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं भाई, चलो बताता हूं ऐसा क्यों। तो कहते आप लोगों को बताया पबजी कितनी ज़्यादा पॉपुलर गेम है, सब लोगों को पसंद है भाई तगड़ी वाली, बट उसकी जो ओरिजिन कंट्री थी वो थी साउथ कोरिया, और वो जो पबजी मेन वर्जन आया था जो कि पीसी वर्जन था। हुआ क्या कि जब पबजी पीसी बनी तो ये लोग जो साउथ कोरिया वाले बंदे थे इनको चाइना के अंदर भी अपनी जो है गेम को रिलीज करना था, बट आप लोग पता है चाइना के अंदर क्या बवाल मचा रहा था वहाँ पे। बेसिकली उन्होंने ये गेम को अप्रूव करवाना था चाइनीज गवर्नमेंट से और उन्होंने वो बिल्कुल बोल दिया नहीं भाई ये हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते। तो फिर अब आती है बात कि पबजी जो है मोबाइल का जन्म कहाँ से हुआ। तो गाइज हुआ क्या कि जब पबजी वाले चाइनीज टेंसेंट बडी के पास गए, टेंसेंट बडी बेसिकली चाइना के कह लो आप गेम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और वर्ल्ड वाइड में है बेसिकली अब, तो उनके पास जब वो गए तो उन्होंने इनको एक सुझाव दिया कि आप पबजी मोबाइल भी हम लोग बना सकते हैं जो कि इसका लाइटर वर्जन होगा, मतलब पबजी पीसी का, लेकिन वो मोबाइल में चलेगा जो कि एंड्रॉयड और आईओएस वाले होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ भाई बनाओ मस्त एकदम, पैसा तो सबको कमाना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो टेंसेंट बढ़िया गाइस उन्होंने इस गेम को जो मेन कोड से उनको लेकर इन्होंने इसको रिफाइंड करके अनरियल इंजन में कन्वर्ट करा मोबाइल वर्जन में। तो मोबाइल वर्जन वाला जो सीन है अब वो ऐसा हुआ कि इसकी जो लाइसेंसिंग थी वो चली गई टेंसेंट बढ़िया जो कि चाइनीज कंपनी या फिर चाइनीज आप लोग कह लो एक उनकी ओरिजिनेशन चाइना के है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे खिचड़ी सी पक गई है क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग पे लगाना पड़ेगा। तो उसका जो लाइसेंस था वो चाइनीज के पास चला गया और कहीं ना कहीं वो चाइना के अंदर हमारा ताल्लुक है हमारे को मिलता हुआ दिख जाएगा। अब क्या होता है कि जो जितनी भी 59 अदर एप्लीकेशन जो टिकटॉक इंक्लूडेड और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो बैन हुई है वो जो है कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमारी जो नॉर्म्स हैं और जो हमारे कहते हैं सोवर्निटी है इंडिया की उनकी जो कहते हैं एक सुरक्षा के लिए वो एक
अच्छी चीज़ नहीं है हमारी इंडियन चीज़ों के लिए। तो जैसे हमारी मिलिट्री का आपको पता क्या हुआ, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसलिए उन एप्लीकेशन को उस रेंज के अंदर लेके के उन्होंने टेस्टिंग करी और बताया गया कि टिकटॉक भी आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ डेटा वेटा लीक कर रहा था आईफोन क्लिपबोर्ड के चक्कर में, तो ऐसा हो रहा है। बट अब पबजी के साथ भी कुछ ऐसा सीन अभी तक तो देखो सामने आया नहीं है कि पबजी को स्टैंड अलोन डेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, उनका जो डेवलपर है, जो उनका मेन डेवलपर है, वो अभी टेंसेंट बड़ी है। अगर उसको लाइसेंस भले ही पबजी कॉर्पोरेशन के पास हो, बट चल तो वो टेंसेंट बड़ी के यहाँ से रही हैं, ठीक है ना। और अगर वो वहाँ से चल रहे हैं तो उनके टेंसेंट बड़ी के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट का पूरा पूरा हाथ है। अगर वो बोलेंगे कि उनको डेटा चाहिए लोगों का, तो भाई पबजी से भी डेटा निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ये कुछ चीज़ है जो कि मेरे को लगता है थोड़ी सी पेचीदा सी हो जाती है, बट अगर इसको हम ढंग से समझे तो ये थोड़ी सही रहेगी। तो यार मैं तो यही बोलूँगा, चाहे आप पबजी से खेलो, चाहे आप कोई सी भी यार कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जस्ट कि चेक कर लेना कि आप लोग उसको किस चीज़ की परमिशन दे रहे हो, लोकेशन की क्या परमिशन दे रहे हो, किस लिए लोकेशन की परमिशन मांग रही है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन फालतू के लिए परमिशन मांगते हैं, जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होता, आप लोग दे देते हो और फिर बाद में आप लोगों को जब ऐसे हम लोगों पर कोई ऐसी डेंजरस अटैक होता है तो फिर हम लगता है यार हमने वो गलत किया। तो बस यार यही है कि पबजी जो है उसका ओरिजिनेशन जो है भाई हुआ साउथ कोरिया के अंदर है, बट वो जो पबजी मोबाइल है वो बनी है चाइनीज़ डेवलपर जो कि टेंसेंट है उनकी तरफ से। तो ऐसे चाइना का हाथ कहीं ना कहीं भाई हर जगह पे है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट आप लोग देखो वैसे सभी लोग खेलेंगे अभी मुझे पता नहीं। बस यार यही थी वीडियो, पसंद आई यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके बाय।